पूर्वांचल आज की तारीख में बनारस के माध्यम से सबसे बड़ा सेंटर है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का। तो ये बंदरगाह हमें लग रहा है कि आने वाले समय में यह एक तरह से संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो बनारस भदोही मिर्ज़ापुर की रही है वो ट्रांसपोर्टेशन की थी। 12 नवंबर को डेफिनेटली एक गेम चेंजर साबित होगा ये, तो ये शहर का ओवरऑल बिजनेस के बदलाव के लिए एक बहुत बेहतर परिणाम देगा। हो सकता है सिल्क से ज़्यादा फूड ग्रेन में ये मदद करे, हो सकता है ये फ्रूट्स वालों को ज़्यादा मदद। तो जो 12 तारीख को मेरे ख्याल से ये जो सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं, तो ये पूर्वांचल के लिए एक बहुत ही बड़ा गेटवे साबित होगा। हैंडीक्राफ्ट का गढ़ है बनारस का, एक दूरगामी इसका रिजल्ट पूरे पूर्वांचल के लिए, हमारे कालीन उद्योग के लिए बहुत ही अनुकूल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री को इस सौगात के लिए अपने इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 15वें दौरे पर आ रहे हैं और वो रामनगर बंदरगाह की सौगात अपने काशीवासी के वोटर्स को देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले जो ये तोहफा मिलने जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर हस्तकला और बुनकारी से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि बनारस सिल्क के लिए, भदोही कालीन के लिए और मिर्ज़ापुर दरी के लिए जाना जाता है। और भी कई 10 ऐसे GI प्रोडक्ट हैं जिनके वाराणसी के साथ कई और देशों में भी धमक है, इसलिए इनकी सेवा जब यहाँ से कार्गो के जरिए शुरू होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ के बुनकरों और हस्तकला से जुड़े लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।